गुड इवनिंग। ठीक है, इस क्लास में हम जो हमारा नॉन टेक्निकल पोर्शन का कंप्यूटर वाला सेक्शन है उसको आज से स्टार्ट करेंगे। ये क्लास वन है, लेक्चर वन है, तो इसमें हम बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अब देखो, कंप्यूटर का जो पोर्शन है ना, उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं पूछेगा, चांस बहुत कम है कि बहुत डीप में पूछेगा, तो आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए। लेकिन आज के क्लास में हम कंप्यूटर के जो बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन के रूप में हम देख लेंगे, फिर इसके बाद में ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वन लाइनर के तौर पे ही हमें याद रखना है, क्योंकि कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूछा जा सकता है अगर उसको पूछना होगा तो इसलिए हम शुरुआत में जो है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एकदम बेसिक है, वो चीज़ें हमें पता होनी ही चाहिए। उसके बाद में हम जितना हो सके वन लाइनर टाइप की चीज़ें हम जो है इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसका यार क्लास के बाद में जो पीडीएफ होगा, क्लास का जो नोट्स होगा, वो आप लोग के उसमें ऐप में अपलोडेड रहेगा, तो वहां से आप लोग उसको देख सकते हो। ठीक है, तो अभी लाइव क्लास में आपको नोट्स बनाने की जरूरत है नहीं। चलो, पहली बात तो ये कि कंप्यूटर होता क्या है, व्हाट इज द कंप्यूटर। बेसिकली क्या है कि अ कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट रिसीव्स डेटा एंड प्रोसेस इट फॉर अ रिजल्ट अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम। कोई भी डेटा को जो है, कंप्यूटर ऐसा डिवाइस है जो रिसीव करता है डेटा को, और जिस हिसाब से रिसीव किया रहता है कि उसको किस सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको डेटा को उसमें प्रोग्राम किया गया है, किस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग उसको इनपुट दिया गया है, उसके बेसिस पे वो प्रोसेस करके वो आउटपुट निकालता है। ये कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कुल मिलाकर के। ठीक है, तो यहां पे जैसे कि अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो कई बार एग्जाम में ये चीज पूछता है कि किस टाइप का डिवाइस है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कंप्यूटर, दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डेटा अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। किस तरह का जो है इंस्ट्रक्शन के सेट के थ्रू जो है उसको इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करने के लिए उसको प्रोवाइड किया गया है, उसके अकॉर्डिंग वो प्रोसेस करता है। ठीक है, तो कैसा डिवाइस है वो, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इट हैज द एबिलिटी टू स्टोर ठीक है, इट हैज द एबिलिटी टू स्टोर रिट्रीव एंड प्रोसेस डेटा। इसके पास ये एबिलिटी है कि वो स्टोर भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है, और उसको प्रोसेस भी कर सकता है। डेटा को वो स्टोर करेगा, रिसीव करेगा, प्रोसेस करेगा, स्टोर करेगा, ये तीनों तरह की एबिलिटी योग्यता जो है कंप्यूटर में होता है। अ कंप्यूटर इज ए यूज्ड टू टाइप डॉक्यूमेंट्स, सेंड ईमेल्स, ब्राउज द इंटरनेट, बहुत सारे काम है कंप्यूटर के। अब ये चीज तो हम डे टू डे लाइफ में आप कभी ना कभी इस चीज को जानते हो, पढ़े हो, सुने हो, तो इसमें हम बहुत ज्यादा डिटेलिंग में हमें बात नहीं करना है। ये चीजें एग्जाम में बहुत कम पूछता है आजकल के एग्जाम में देखा जाए तो। पहले पूछता था कंप्यूटर के बारे में, बेसिक से बेसिक चीजें पूछ देता था, लेकिन अब यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बस यहाँ से एक चीज याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यहाँ से रिलेटेड एक कई बार ये क्वेश्चन अभी भी पूछता है, तो इस चीज को ध्यान रखना है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। फंक्शनिंग क्या क्या हो सकता है कंप्यूटर का। पहला है इनपुट, एक फंक्शन है इसका इनपुट, इंफॉर्मेशन और डेटा इज इंटर इनटू कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। कंप्यूटर में जो भी डेटा इंटर करता है, प्रवेश करता है, वो क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है। ठीक है,
तो ये जो डेटा है ये सेंड करता, डेटा को सेंड किया जाता है और उसके बाद में इंस्ट्रक्शन दिया जाता है सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, प्रोसेस करने के लिए कि हमने ऐसा डेटा आपको सेंड किया है। उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है, प्रोसेस करता है। तो पहला तो इसका फंक्शन हो गया इनपुट लेना, ठीक है, रिसीव करना इनपुट को। दूसरा काम है उस जो भी रिसीव किया है डेटा को उसको प्रोसेस करना। इट इज द सीक्वेंस ऑफ एक्शंस टेकन ऑन डेटा टू कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन। जो भी डेटा लिया गया है उसको क्या करेगा, वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा, विच इज मीनिंगफुल टू द यूजर। जो यूजर है, जो उपयोग करने वाला है, उसके लिए वो मीनिंगफुल होगा। जो भी डेटा लिया गया है उसको प्रोसेस करने के बाद में उसको इंफॉर्मेशन के तौर पर वो यूजर तक पहुंचाता है, ठीक है। इट कैन बी कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन भी हो सकता है, किसी भी तरह का कंपेरिजन हो सकता है दो डेटा के बीच में, और उसके अकॉर्डिंग जो है डिसीजन जो लेता है कंप्यूटर कि क्या उसका रिजल्ट आया है। तो ये सारा काम कर सकता है, वो कैलकुलेशन कर सकता है, कंपेरिजन कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन ले सकता है और वो रिजल्ट प्रोवाइड कर सकता है। तो ये सारा चीज मिला करके एक बोलना चाहिए एक पूरे सिक्वेंस ऑफ एक्शन होता है जिसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेसिंग दूसरा इसका फंक्शन हो गया। तीसरा चीज है आउटपुट प्रोवाइड करना। अब प्रोसेस तो हो गया है तो वो क्या करेगा, जो भी प्रोसेस हुआ है, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामिंग उसमें किया गया है उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रोसेस हुआ है अब उसको आउटपुट के तौर पे वो यूजर को जो है दिखाएगा, शो करेगा। इट इज मेनली यूज्ड टू डिस्प्ले द डिजायर्ड रिजल्ट टू द यूजर एज पर इनपुट इंस्ट्रक्शन। किस टाइप का उसको इनपुट दिया गया है उसके बेसिस पे वो क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, और उस प्रोसेसिंग के बाद में जिस टाइप का प्रोसेसिंग हुआ है उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग वो जो है आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो वो डिस्प्ले करेगा, चाहे वो मॉनिटर में हो, चाहे वो प्रिंटर में हो, या अलग अलग तरह के जो भी आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उसमें वो शो करेगा। तो ये तीसरा फंक्शन हो गया आपका आउटपुट देना। अब वो आउटपुट तो देगा जरूर, लेकिन जो भी प्रोसेसिंग हुआ है उसको स्टोर करने का भी एक उसका फंक्शन है कंप्यूटर का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कंप्यूटर का। अगर वो स्टोरेज की कैपेबिलिटी नहीं है तो फिर कंप्यूटर में बहुत सारी चीजें जो है लॉस्ट हो जाएंगी। तो इसका एक जो मेन फंक्शन है उसमें आता है स्टोरेज। इट इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन उसको दिया गया है उसको वो स्टोर करेगा। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जो प्रोग्राम उसको इंस्ट्रक्शन दिया गया है जिस प्रोग्रामिंग के बारे में, वो जब एग्जीक्यूट होगा उस टाइम में वो चीजों को, इंफॉर्मेशन को वो स्टोर भी करता चलेगा। वो जो नॉलेज है, जो इंफॉर्मेशन है, वो वेस्ट नहीं होगा, वो लॉस नहीं होगा, वो सारे इंफॉर्मेशन उसके पास एग्जीक्यूशन के टाइम में जितना पॉसिबल हो सकता है उसको वो स्टोर करके भी रखता है। तो ये चार फंक्शन आपको मेजरली याद रखना है कंप्यूटर का। पहला है इनपुट लेना, उस इनपुट के अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग करना, देन उसके बाद में उस प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग आउटपुट प्रोवाइड करना, और उस आउटपुट को स्टोर करना। उस जो भी आउटपुट दिया गया है उसके अंदर में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करना भी इसका एक फंक्शन है। तो ये चार तरह का फंक्शनिंग करता है कंप्यूटर, ठीक है। तो पहली चीज तो हो गई कंप्यूटर है क्या चीज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बेसिकली कंप्यूटर में हम जो भी डेटा इनपुट करते हैं उसको प्रोसेस करने के बाद में वो आउटपुट देता है। तो उसी के बेसिस पे हम समझ सकते हैं कि इसके चार फंक्शन होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज, राइट। चलो आगे हम बढ़ते हैं। ये जो हमारा कंप्यूटर के एक बेसिक फंक्शन है उसको इस इमेज से आप समझ सकते हो कि इनपुट यहां से प्रोवाइड किया जा रहा है। सीपीयू क्या कर रहा है, इस इनपुट के अकॉर्डिंग जो है जो भी उसको यूनिट काम में लेना है, चाहे कंट्रोल यूनिट काम में लेना हो, चाहे अर्थमेटिक लॉजिकल जिसको एएलयू कहते हैं उसके बेसिस पे वो प्रोसेस करेगा, क्योंकि ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सीपीयू क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो प्रोसेस करने के बाद में वो क्या करेगा, आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ये जो भी प्रोसेसिंग हुआ है उसको वो साथ ही साथ स्टोर करने का काम होता है। तो यही चार फंक्शन है इसका। एक हो गया हमारा इनपुट, एक फंक्शन हो गया, दूसरा प्रोसेसिंग का फंक्शन यहां पर से हो रहा है, ठीक है, तीसरा आउटपुट प्रोवाइड करने का फंक्शन हो रहा है, और चौथा जो है उसको स्टोर करने का फंक्शन यहाँ पे हो रहा है। तो ये चार फंक्शन यहाँ पे शो किया है, ठीक है। उसी चीज को यहाँ पे एक डिटेलिंग में भी दिया हुआ है कि इनपुट में क्या क्या चीजें का इन्वॉल्वमेंट है। जैसे कीबोर्ड से हम इनपुट दे सकते हैं, माउस से इनपुट दे सकते हैं, लाइट पेन से इनपुट दे सकते हैं,
जो जॉयस्टिक होता है उससे इनपुट दे सकते हैं। हालांकि इनके बारे में हम लोग अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इनपुट आउटपुट डिवाइस से ना बहुत सारे क्वेश्चन अमूमन एग्जाम्स वगैरह में पूछता है, तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग थोड़े डिटेल में भी बात करने वाले हैं। ठीक है, अभी बस समझने के लिए कि इस चारों फंक्शन में क्या क्या डिवाइसेस हैं जो यूज में लिया जा रहा है, तो वो ये डिवाइस है। इनपुट के रूप में कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन और जॉयस्टिक, ये सब चीजें हम यूज में ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें आउटपुट जब देता है तो वो सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में हो सकता है, जो सॉफ्ट फॉर्म में है, जिसको हम मॉनिटर के थ्रू, डिस्प्ले के थ्रू हम देख सकते हैं। हार्ड कॉपी में आप प्रिंटर के थ्रू या प्लॉटर के थ्रू, जो मैप वगैरह होता है उसके थ्रू जो है हमें वो हार्ड रूप में, हार्ड कॉपी के रूप में मिल सकते हैं, तो ये आउटपुट डिवाइसेस होंगे। अगर हम स्टोरेज की बात करें तो दुनिया भर के स्टोरेज है इसमें। आजकल जो बोलते हैं कि मैग्नेटिक टेप पहले यूज होता था, मैग्नेटिक डिस्क है, सीडी रोम्स हो, डीयूडी रोम्स हो, ठीक है, रैम रोम, ये सारी चीजें जो है, हम लोग पूरा स्टोरेज डिवाइसेस के हम लोग बाद में इसमें बात करने वाले हैं डिटेल में। इन सब चीजों को मिला करके ही क्या बोला जाता है, कंप्यूटर के पेरिफेरल्स डिवाइसेस कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्स में कई बार ये पूछ देता है कि बताइए पेरिफेरल डिवाइसेस क्या है। तो देखो, इनपुट आउटपुट और स्टोरेज, इन सबको मिला करके जितने भी डिवाइसेस बनते हैं वो सबको मिला करके हम पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में पूछता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा चीज है जो पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। तो ज्यादातर जो हार्डवेयर के डिवाइसेस होते हैं, हार्डवेयर जो भी हम जिसको टच करके, छू करके देख रहे हैं, वो तमाम चीजें क्या है, उसके पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही समझना है। अगर आपसे पूछे मॉनिटर किस तरह के डिवाइसेस है, तो भले ही वो आउटपुट यूनिट जरूर है, लेकिन वो आता किसके अंदर में है, पेरिफेरल डिवाइसेस के ही अंडर में आता है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें पेरिफेरल डिवाइसेस हैं कंप्यूटर के। अगर हम बात करें इसके फीचर्स की बात करें, इसके विशेषताओं की बात करें या करेक्टरिस्टिक्स की बात करें कंप्यूटर की, तो एक तो कंप्यूटर में ढेर सारे इसके फीचर्स हो सकते हैं। पहली बात है कि इसका स्पीड जो है, बोलना चाहिए इसका जो फास्ट होता है, बहुत ज्यादा जो है फास्ट इसका स्पीड होता है। ठीक है, पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो कंप्यूटर का स्पीड होता है। द कंप्यूटर कैन प्रोसेस डेटा वेरी फास्ट एट द रेट ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर में वो मिलियंस मिलियंस ऑफ जो वो होता है इंस्ट्रक्शन होता है, उसको एक्सेप्ट कर सकता है, उसको प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यार, रिपीट पेरिफेरल। देखो यार, पेरिफेरल डिवाइसेस क्या है, वो सारे डिवाइसेस जो कंप्यूटर को प्रोसेस करने में यूज हो रहा है, चाहे वो इनपुट हो, चाहे वो, या फंक्शन करने में बोल रहा हूँ, कंप्यूटर के फंक्शनिंग में जितने तरह के डिवाइसेस यूज होते हैं, उन तमाम डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं। ठीक है, जो उसमें कनेक्टेड है हार्डवेयर के तौर पे, वो तमाम डिवाइसेस क्या है, पेरिफेरल डिवाइसेस है। ठीक है, चाहे वो कीबोर्ड हो, चाहे वो आपके मॉनिटर हो, चाहे वो प्रिंटर हो, प्लॉटर हो, या फिर जितने भी तरह के जो है मेमोरी डिवाइसेस या स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, एचओडी वो हो, या आपके एसएसडी हो, हार्ड डिस्क हो, या आजकल एसएसडी का वो चलन है, तो एसएसडी हो, या सीडी रोम हो, डीवीडी रोम है, ये तमाम चीजें क्या है, आपके पेरिफेरल डिवाइसेस में ही आता है, माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन, ये सब चीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो बात है फीचर की कंप्यूटर की, अगर हम बात करें तो एक्यूरेसी। तो इसका जो जो भी ये प्रोसेस करता है उसमें एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होता है। एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होने का मतलब ये है कि इसमें त्रुटि का या एरर होने के चांसेस लगभग ना के बराबर होते हैं। एरर तभी होगा जब आपने इनपुट कुछ ऐसा दे दिया है जो कि इनपुट ही सही नहीं है, तो वो कैसे आउटपुट सही तरीके से देगा। तो इतनी बेहतरीन इसके एक्यूरेसी होती है कि गलती भी होगा तो यूजर के तरफ से हो सकता है, कंप्यूटर के अपनी तरफ से एरर होने के चांसेस लगभग ना के बराबर होते हैं, जब तक कि उसमें प्रोग्रामिंग में कोई दिक्कत ना हो तब तक। तो इसका एक्यूरेसी क्या होता है, बहुत हाई होता है। तो कंप्यूटर प्रोवाइड्स अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। तीसरी बात है इसका स्टोरेज कैपेसिटी। इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो ह्यूज अमाउंट में होता है, मतलब इतना इसका जो कंप्यूटर का जो भी डेटा स्टोरेज की क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा होती है, भंडारण क्षमता जिसको हम बोलते हैं वो विशाल है। तो कंप्यूटर आर कैपेबल टू स्टोर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा विच डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क। किस कितने तरह का जो है हार्ड डिस्क यूज हुआ है, कितने उसका स्टोरेज की कैपेसिटी क्या है, उस पर डिपेंड करता है। तो हर कंप्यूटर की अपनी क्षमता हो सकती है, लेकिन इसकी जो क्षमता है वो बहुत बड़ी या विशाल क्षमता होती है स्टोरेज की। ठीक है, पहले तो क्या है,
256 GB का हार्ड डिस्क भी होता था तो बहुत था, ठीक है, और 128 GB का भी हार्ड डिस्क होता था। अब जो है 1 TB 2 TB में आने लग गया है हार्ड डिस्क भी, ठीक है, और SSD अब आने लग गया है फास्ट जो स्टोरेज के लिए है, वो तो वो भी अब 1 TB में यूज करने लग गए हैं। 500 GB का SSD आजकल हर कंप्यूटर में मिल जा रहा है, तो लैपटॉप ही अगर मॉनिटर मतलब CPU वगैरह में, तो ये चीज है कि इसका स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही विशाल है। चौथी चीज है मल्टीटास्किंग, मतलब एक ही टाइम में कई तरह के काम पैरेलली जो है या साइमल्टेनियसली जो है वो कर सकता है, ये इसका चौथा जो है फीचर है और इंपॉर्टेंट फीचर है। कंप्यूटर्स कैन डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क साइमल्टेनियसली, दे कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट अ सेम टाइम, एट अ सेम टाइम, ठीक है, एक ही समय में वो कई तरह के अलग अलग काम को साइमल्टेनियसली जो है वो कर सकता है, तो ये जो है इसका मल्टीटास्किंग चौथा फीचर है, ठीक है। पांचवा जो इसका फीचर है वो है रिलायबिलिटी, ठीक है, तो रिलायबल है, विश्वसनीयता इसकी बहुत ज्यादा है, इतना रिलायबल है कि वो ह्यूमन बींग से भी ज्यादा रिलायबल माना जा सकता है। गलतियां मनुष्य कर सकते हैं और मनुष्य का बोलते हैं गलतियों का पुतला है, इंसान बहुत गलतियां करता है, लेकिन कंप्यूटर मनुष्य के हिसाब से गलतियां नहीं करता, जो गलतियां करेगा वो भी मनुष्य ही करेगा, अगर उसको रॉन्ग इनपुट देगा तभी जाके वो एरर वहां पे आएगा, अदरवाइज जो है इसकी पॉसिबिलिटी एरर की बहुत कम है, तो वो तभी होगा जब इनपुट ही रॉन्ग दिया जाएगा, अगर किसी भी तरह का प्रोग्रामिंग ही रॉन्ग तरीके से किया जाएगा तभी जाके कंप्यूटर में एरर शो होगा, अदरवाइज जो है उसके रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा होता है, विश्वसनीयता उसकी बहुत ज्यादा होता है, वो एग्जैक्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो ये पांच तरह के इसके फीचर्स जो है आपको याद रखना है, स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज कैपेसिटी, मल्टीटास्किंग और रिलायबिलिटी, ठीक है। चलो अब हम काम की बात करते हैं, ये तो हो गया जनरल इंट्रोडक्शन, जो कंप्यूटर के बारे में आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि इतना इसका फंक्शन है, इतने इसके फीचर्स हैं, ये इसका डेफिनेशन है, इतना तो आपके पास बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। देखो कंप्यूटर की बुक्स वगैरह आप पढ़ोगे तो उसमें ढेर सारे कंप्यूटर के इतिहास वगैरह के बारे में दुनिया भर की चीजें लिखी रहेंगी, उतना हमारे काम की चीज नहीं है, जितना हमारे काम की चीज है उसी पे हमें फोकस करना है, ठीक है। अब देखो पहली बात यह है कि इसमें जो क्वेश्चन बनता है ना वो इन चीजों से ज्यादा पूछता है, जैसे इन्वेंशन की, कंप्यूटर का जो हिस्ट्री है पूरा बनने का, या जहां तक का आज का मॉडर्न मॉडर्न कंप्यूटर आया है वो शुरुआत कहाँ से हुआ था, या किन किन चीजों का आविष्कार किसने किया था, इससे रिलेटेड कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये जो लिस्ट है इस पूरे टेबल में आप देखोगे, एक इन्वेंशन है, इन्वेंटर का नाम है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उसका एप्लीकेशंस कहाँ है, यूज कहाँ पे हुआ है, ये चीजों को मैंने लिस्ट आउट किया। जैसे कि सबसे पहले अबेकस, अबेकस का जो है 1602 के आसपास में जो है इसका आविष्कार किया गया, ठीक है, ये जब हम कंप्यूटर कैसे डेवलप हुआ अलग अलग दौर में उसके हिसाब से इसको जो है हमने इसको लिस्ट आउट किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अबेकस की, तो ये जो अबेकस है ये चाइना ने इन्वेंट किया था, ठीक है, किसने इन्वेंट किया, चाइना ने। अब इसके बारे में क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है बताइए कि फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा है। कंप्यूटर के हिस्ट्री की अगर हम बात करें, डेवलपमेंट के हिस्ट्री पे, तो पहली चीज आती है अबेकस के बारे में, और वहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा है। तो नाम है आपका अबेकस, जो कि 1602 में जो है एडी में जो है चाइना के द्वारा इन्वेंट किया गया था। अब इसका काम क्या था, बेसिकली जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने का जो ऑपरेशन होता था उसके लिए इसको यूज किया जाता था अबेकस को, ठीक है, इसीलिए इसको डेवलप किया गया था, प्लस माइनस करने के लिए चीजों को, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के ऑपरेशन को वो करने के लिए। इसमें एक चीज खास बात ये थी कि ये स्क्वायर रूट वगैरह है ना उसको भी ये परफॉर्म कर सकता था, ठीक है, स्क्वायर रूट को भी ये फाइंड आउट कर सकता था, ये इसकी खासियत थी अबेकस की, लेकिन बेसिकली इसको एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए यूज में लिया जाता था। दूसरा है यहाँ पे पास्कलिन, तो पास्कलिन को ब्लेज पास्कल ने जो है, फ्रांस के एक साइंटिस्ट थे उन्होंने जो है, फिजिसिस्ट थे उन्होंने इसको जो है वो किया, इन्वेंट किया ब्लेज पास्कल ने, ठीक है। इसके बारे में बोला जाता है ये फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन के तौर पे इसको क्वेश्चन में आता है, ये जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो ये फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग डिवाइस या एडिंग मशीन के रूप में जाना जाता है। अब अगर आपको कैलकुलेटिंग डिवाइस बोलेगा तो आंसर अबेकस हो जाता है, अगर आपको एडिंग मशीन बोलेगा तो जो आंसर है वो पास्कलाइन हो जाता है। हालांकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से पूछता है अबेकस से, लेकिन कई मैंने एग्जाम देखा है जहां पे ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। अब इसका भी काम वही था, ये भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए
यूज किया जाता था दो नंबरों को वो करने के लिए, ठीक है, इसका यही काम था। लेकिन जनरली जो है इसमें एक काम और किया था, क्योंकि ब्लेज पास्कल ने इसको बेसिकली इसको जो डेवलप किया था उसका मेन काम था जो लिक्विड का प्रेशर होता है ना उसको मेजर करने के लिए जो है इसको डिजाइन किया गया था, लेकिन ये एडिशन सब्सट्रैक्शन में भी काम आता था दो नंबरों को जोड़ने के लिए। तो कंप्यूटर के तौर पे देखा जाए तो हमें इसी को याद रखना है, अब क्योंकि लिक्विड का प्रेशर वगैरह थोड़ा सा वो साइंस में चला जाता है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये परफॉर्म एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स। तीसरी बात है यहाँ पे एनालिटिकल इंजिन जो कि 1837 में जो है डेवलप किया गया चार्ल्स बेबेज के द्वारा, इनको बोला जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज। अब ये क्वेश्चन पता नहीं कितने बार रिपीट हुआ है, कई अलग अलग एग्जाम्स में बार बार पूछा गया है, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। इसने क्या किया, एनालिटिकल इंजिन बनाया 1837 एडी में, ठीक है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो एक तो ये है कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है, दूसरा क्वेश्चन है फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर, ये पहला कंप्यूटर है जिसका नाम है एनालिटिकल इंजिन, फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर इसी को बोला जाता है, क्योंकि इसके पहले जो ये डेवलपमेंट हुआ उससे ये थोड़ा सा एडवांस था। इट वॉज अ डेसिमल मशीन यूज्ड साइन एंड मैग्नीट्यूड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये अलग अलग तरह के साइन को यूज किया जाता था और कुछ डेसिमल जो फॉर्म्स होते थे मैग्नीट्यूड फॉर्म में जो होते थे उनको यूज करके ये बनाया गया था, या उनको यूज किया जाता था रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर्स को, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एडवांस था पहले दोनों मशीन के मुकाबले, हालांकि इस बीच में और भी कई अलग अलग देशों ने बहुत चीजें ट्राई की थी, लेकिन हम उन्हीं चीजों को यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं जो हमारे काम का चीज है, ठीक है। मैंने बहुत सारी चीजों को यहाँ पे छोड़ दिया है, उन चीजों से हमें काम नहीं है। चलो तो ये चीज हो गया, फर्स्ट जनरल पर्पस ऑफ कंप्यूटर पूछे तो एनालिटिकल इंजन याद रखना है, चार्ल्स बेबेज ने डेवलप किया था। टेबुलेटिंग मशीन आया 1890 में, ठीक है, इसको बनाया था हर्मन हॉलरिथ ने, ठीक है। तो हर्मन हॉलरिथ ने जो है इसको, अमेरिका के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बनाया, इसको बोला जाता है फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन। यहां पर जो मशीन है मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस, मैकेनिकल एडिंग डिवाइस, फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर, अब आता है फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन की बात आए तो ये है टैबुलेटिंग मशीन जो कि 1890 में डेवलप किया गया, ठीक है। ये जो है जो सॉरी क्या बोल रहा था, टेबुलेटिंग जो मशीन है ये बेसिकली जो है आपके 1890 में डेवलप करने के बाद में इसको एक कार्ड को जो है रीड वन कार्ड एट ए टाइम, जैसे कि होता है ना एक कार्ड को जो है एक ही टाइम में या एक इंस्ट्रक्शन को एक टाइम में जो है पढ़ने का ये जो है काम करता था टेबुलेटिंग मशीन, ठीक है। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, ये चीज आपको याद रखना है, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन इसको बोला जाता है, ठीक है। अच्छा इसी में एक चीज और पूछ देता है कई बार, बताइए कि पंच कार्ड का जो है, पंच कार्ड का इन्वेंशन किसने किया, तो उसमें भी इन्हीं का नाम याद रखना है, हरमन हॉलरिथ को, ठीक है, हॉलरिथ बोला जाता है या हॉलरिथ बोला जाता है। तो इन्होंने ही पंच कार्ड बनाया था और ये टेबलेटिंग मशीन में यही पंच कार्ड को यूज किया गया था, ठीक। अब इसमें छोटे छोटे बहुत सारे पंच कार्ड होते थे और उन्हीं को जो है एक को जो है यूज किया जाता था, इसमें लगभग अलग अलग 80 कॉलम बने होते थे, तो इस तरह का कुछ मशीन था वो। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, चलो एनियक। तो एनियक जो है 1946 में जो है इसको इन्वेंट किया गया था, ठीक है। इसको जो है बोल सकते हो कि इसको फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का या इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का जो है इसको वो क्रेडिट दिया जाता है। तो इससे क्वेश्चन बनता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, तो वो है एनियक, ठीक है। तो इसको जो डेवलप करने का काम किया था जेपी एकार्ट एंड JW मोसले, इन्होंने जो है इसको डेवलप किया था एनियाक को, ठीक है। तो एनियाक जो है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक है। और 1942 से इसका जो है इस बनाना शुरू किया गया था और
आई थिंक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने जो है इसको बनाना शुरू किया था, ये दोनों जो जेपी एकहार्ट और जेडब्ल्यू मोसले हैं इन्होंने। और बाद में जल के ये जो 1946 मतलब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उस टाइम की बात है जब इसको जो है लाया गया था, और ये पहला जो है कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के रूप में इसको जाना जाता है। तो कई बार जो है भले ही आप ये देख सकते हो कि जो एनालिटिकल इंजन है इसको फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर जरूर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज का, लेकिन एक्चुअल में जो आज का कंप्यूटर जिस तरह से काम कर रहा है उसका इंस्पिरेशन ये ENIAC 1946 वाला जो है, तो यही हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर के रूप में इसको जाना जाता है। अब इसका काम जो है ये वेदर प्रोडक्शन के लिए किया जाता था, एटॉमिक एनर्जी कैलकुलेशन के लिए किया जाता था, और भी इसके अलग अलग तरह के इसके यूजेस थे उस टाइम में, ठीक है। उसके बाद में हुआ यूनिवैक, तो यूनिवैक जो है 1951 में जो है जे प्रेस्पर एकहार्ट, मतलब कि ये जो जेपी एकहार्ट है ना इन्होंने ही भी इसको बनाया था, इन्हीं दोनों ने मिलके ENIAC के बाद में यूनिवैक बनाया था। तो ये जो है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था ये वाला, सेकेंड जो है फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विद लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। तो ये जो चार्ल्स बेबेज का जो एनालिटिकल इंजन है उसी का बहुत ज्यादा एडवांस वर्जन था समझो, इसलिए इसको बोला जाता है फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विथ, वो तो क्या था फर्स्ट, ये जो है ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, ये क्या है फर्स्ट जनरल पर्पस, मतलब कि जो चार्ल्स बेबेज का जो जनरल पर्पस वाला सिस्टम था उसी को इसमें इन्वॉल्व करके ये दोनों का मिक्स था समझो, एनालिटिकल इंजन और ENIAC का, तो वही बना है फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विथ लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। इसमें जो है मैग्नेटिक टेप को यूज किया गया था एज ए स्टोरेज डिवाइस, इसके अलावा इनपुट एंड आउटपुट के लिए जो है इसको मैग्नेटिक टेप को ही यूज किया जाता था। देन है उसके बाद में 1953 में आया IBM 650 कंप्यूटर, ये IBM कंपनी ने बनाया अमेरिका का। इसने प्रोवाइड किया इनपुट आउटपुट यूनिट्स कन्वर्टिंग अल्फाबेटिकल एंड स्पेशल कैरेक्टर्स टू टू डिजिट डेसिमल कोड, तो ये बहुत एडवांस था इन सभी सिस्टम में से, और ये मार्केट रिसर्च एनालिसिस वगैरह करने के लिए जो है इसको यूज किया जाता था। तो देख लो इसमें से ये सारी चीजें क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स को इसको याद रखना है, इन्हीं में से क्वेश्चन बनता है। अगर उसको बेसिक चीजों से कंप्यूटर का पूछना है तो यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इनको थोड़ा देख लेना अच्छे से, ठीक है। चलो अगर हम कंप्यूटर के जनरेशन की बात करें कि कंप्यूटर के अलग अलग पीढ़ियां बनी हैं, अलग अलग जो है जनरेशन में उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुए, पहले जनरेशन में कहां से कहां को माना जाता है, दूसरे जनरेशन में कहां से कहां तक माना जाता है, ये एक क्वेश्चन है जहां पे बनता है एग्जाम वाइज अगर देखा जाए तो कई तरह के क्वेश्चन। जैसे कि अगर इसमें देखें तो पहला जो जनरेशन है वो माना जाता है 1950 से लेकर के 1960 को बीच में, इस जनरेशन को फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स कहा जाता है। इसमें जो स्विचिंग डिवाइस था, जो डिवाइस इसमें यूज किया गया था वो था वैक्यूम ट्यूब्स, इसमें जो यूज होता था डिवाइस वो वैक्यूम ट्यूब्स था, ठीक है। इसके अलावा जो स्टोरेज डिवाइस उसमें यूज होता था वो मैग्नेटिक ड्रम्स को यूज किया जाता था, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें यूज में किया जाता था, बाइनरी नंबर्स को 0 और 1 को जो है जो मशीन लैंग्वेज है उसको यूज किया जाता था उस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ज्यादातर क्वेश्चन ना यहां से बनता है, इसके स्विचिंग डिवाइस और इसके जनरेशन के टाइम को लेकर, टाइमलाइन कैसा है। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का टाइमलाइन 40 से 56 तक है, और इसमें जो स्विचिंग डिवाइस यूज किया वो वैक्यूम डिवाइस है, वैक्यूम ट्यूब्स है। अब ये तमाम चीजें, इसके स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सब चीजों को आप छोड़ भी दोगे क्योंकि हमारा एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड ही नहीं है, मतलब कंप्यूटर से ही क्वेश्चन आया ऐसा नहीं है, तो हो सकता है क्वेश्चन यहीं से आ जाए कि ये स्विचिंग डिवाइस कैसा यूज होता था फर्स्ट जनरेशन में। सेकेंड जनरेशन जब आया 1956 से लेकर 63 तक का टाइम, तो ट्रांजिस्टर्स का यूज किया जाने लग गया, ठीक है। जो मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी होता था वो इसमें यूज हुआ, ट्रांजिस्टर जो सेमीकंडक्टर से बनता था, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर कैसा बनता है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से, तो उन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से ट्रांजिस्टर बनाया जाएगा लाया, और उस ट्रांजिस्टर को उस जनरेशन के, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में यूज किया जाने लग गया, ठीक है। चलो थर्ड जनरेशन जो 1964 से 71 का टाइमलाइन है, इसमें आईसीस को, इंटीग्रेटेड चिप्स को जो है इसमें यूज किया जाने लग गया। अब ये जो वो है, मतलब के जो डिवाइस है उसको बनाया जाता था सिलिकॉन से, ठीक है। तो ये जो डिवाइस है वो ट्रांजिस्टर का ही एडवांस वर्जन है समझो, इंटीग्रेटेड सर्किट्स इसमें यूज किए जाने लग गए, ठीक है।
तो एक चीज ये याद रखना है कि थर्ड जनरेशन में आईसी, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर और फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स, स्विच डिवाइस। बेसिकली यार देखो, स्विच डिवाइस क्या होता है, स्विच डिवाइस कंप्यूटर का एक तरह का आज का जो सीपीयू बोल सकते हो, उस सीपीयू में जो आप मदरबोर्ड होता है ना, जो आप सीपीयू में जो मदरबोर्ड वगैरह जो यूज किए जाते हैं, तो उस मदरबोर्ड का जो मेन पोर्शन होता है वो है आपका सीपीयू, जिसको हम प्रोसेसर बोलते हैं। तो अभी आप प्रोसेसर समझ रहे हो उसको, उस टाइम का स्विचिंग डिवाइस समझो, उसको प्रोसेसर ही समझो एक तरह का। तो ये जो है इस डिवाइस पे ही जो है काम करता था, वो पूरा जनरेशन का कंप्यूटर कैसे वर्क करेगा। तो इसमें जो है वैक्यूम ट्यूब्स को यूज किया गया, फिर ट्रांजिस्टर को यूज किया जाने लग गया, फिर आईसी को जो है यहाँ पे यूज किया जाने लग गया। ये थर्ड जनरेशन में होगा। जो फोर्थ जनरेशन आया, इसमें जो है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, अभी आ रही है आवाज? ठीक है अभी आ गया ना। देखो ऐसा कुछ होगा ना तो मुझे पता चल जाएगा, मैं रुक जाऊंगा उस टाइम में। तो आई थिंक अभी आपको वॉइस आ रही होगी, सुनाई दे रहा होगा अभी। चलो आगे हम बढ़ते हैं। मैं बात कर रहा था जो फोर्थ जनरेशन स्टार्ट हुआ 1971 से, तो इस टाइम में क्या हुआ कि लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, मतलब जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, वो बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो चिप्स जो है उसमें लगे हो लगाना शुरू किया गया। और ये फोर्थ जनरेशन 1971 से चल रहा है, ठीक है। तो इसमें जो स्टोरेज डिवाइस यूज किया जाने लगे वो सेमीकंडक्टर मेमोरीज होते थे, ये इसको यूज किया जाने लग गया। और आजकल तो ऑप्टिकल डिस्क जो है यूज किया जाने लग गया है अभी के डेट में अगर देखा जाए तो ये बहुत रिलायबल और पोर्टेबल जो है एक तरह का स्विचिंग डिवाइसेस होने लग गया। तो ये फोर्थ जनरेशन की बात है। जो फिफ्थ जनरेशन है, जिसको आज का जनरेशन मानते हैं, मतलब कि फोर्थ जनरेशन भी कई तरह से अभी भी फॉलो हो रहा है, लेकिन अभी के दौर को फिफ्थ जनरेशन माना जाता है, क्योंकि अभी जो यूज होता है वो है सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स, ठीक है। इसको SLSI बोला जाता है। तो ये जो पहले लार्ज स्केल होता था उसको अब सुपर लार्ज स्केल जो बोला जाता है वो चिप्स यूज होने लग गया। और अब जो स्टोरेज डिवाइस है उसमें ऑप्टिकल डिस्क जो है यहाँ पे यूज होने लग गए हैं, ऑप्टिकल डिस्क जो है अब यूज होता है, ठीक है। तो इसके भी ढेर सारे जो है इसके फायदे हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग होते हैं, मल्टीटास्किंग में बहुत फास्ट हो गया है, इसके अलग अलग कोर बेस्ड जो है प्रोसेसर्स इसमें अवेलेबल है। तो ऐसे ढेर सारे फायदे इसके फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं उसमें मिलने लग गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके के पांचों जनरेशन को याद रखना है। आज का जनरेशन जो चल रहा है वो फिफ्थ जनरेशन माना जाता है, ठीक है। चलो कुछ नोट्स में यहाँ पे याद रखना है कि हमारे इंडिया में जो पहला है सिद्धार्थ, वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया, पहला जो कंप्यूटर डेवलप किया गया उसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। एक चीज ये हो गया। एलन ट्यूरिंग, उनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर किनको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। लेकिन अगर बाई चांस आपसे पूछे फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, मॉडर्न जो शब्द आ गया है, तो इसका नाम, इनका नाम आ जाएगा एलन ट्यूरिंग का, ठीक है। तीसरा है जॉन वॉन न्यूमैन, इन्होंने जो है पहली बार जो कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है उसमें इंट्रोड्यूस किया, फर्स्ट आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, जो आर्किटेक्चर जो कंप्यूटर का है उसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। और इसके अलावा जो है ट्रांजिस्टर्स, जिसकी जो बात कर रहा था सेकेंड जनरेशन में, तो वो जो ट्रांजिस्टर है वो बेल लेबोरेटरी ने इन्वेंट किया था। जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में जो स्विचिंग डिवाइस यूज किया जाने लगा वो ट्रांजिस्टर किसने किया? बेल लेबोरेटरी में जो है इसको बनाना शुरू किया था, इन्वेंट किया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसीलिए इसको नोट में अलग से मैं बता दे रहा हूँ। तीसरे जनरेशन में जो यूज होता था आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, उसको किसने इन्वेंट किया? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो उनका नाम था जे एस किल्बी और उनके साथी थे रॉबर्ट नॉइस,
ठीक है, तो इन दोनों ने मिल करके पहला चिप जो है, आईसी जो है उन्होंने बनाया था, इंटीग्रेटेड चिप। तो ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में तीन तरह का क्लासिफिकेशन चलता है और एग्जाम में कई बार पूछता है कि बताइए बेस्ड ऑन साइज कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं, बेस्ड ऑन वर्क किस टाइप के होते हैं, बेस्ड ऑन पर्पस किस टाइप के होते हैं। तो इसको थोड़ा सा इस चार्ट को देख लेना। पहला तो ये है कि बेस्ड ऑन साइज में चार टाइप के कंप्यूटर यहाँ पे दिखाए जाते हैं। माइक्रो कंप्यूटर बोला जाता है जो साइज में बहुत छोटे होते हैं, उसके बाद में एक मिनी कंप्यूटर होता है, तीसरे में मेन फ्रेम होता है, ये थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, ये पहला है समझो, अगर साइज के हिसाब से सबसे छोटा देखा जाए। तो आज का जो कंप्यूटर है, पीसी है, लैपटॉप है, पाम टैबलेट वगैरह है, ये सब चीजें जो है इसी माइक्रो कंप्यूटर के अंडर में ही आता है। उससे बड़ा होता था मिनी कंप्यूटर, उसके बड़ा होता था मेन फ्रेम, और जो सबसे बड़े और फास्ट कंप्यूटर होते हैं वो सुपर कंप्यूटर्स कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा जो बेस है इसका क्लासिफाइड करने का वो है बेस्ड ऑन वर्क। एनालॉग बेस्ड कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है, और दोनों का हाइब्रिड भी कंप्यूटर होते हैं। तो ये तीन टाइप का होता है बेस्ड ऑन वर्क, अलग अलग वर्क के हिसाब से भी अलग अलग कंप्यूटर के टाइप्स होते हैं। तीसरा है बेस्ड ऑन पर्पस, किस टाइप का पर्पस के लिए किस किस टाइप का कंप्यूटर को यूज किया जाता है। जैसे जनरल पर्पस कंप्यूटर जो आजकल हम घरों में यूज करते हैं, ऑफिसेस में यूज करते हैं, वो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स है। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जैसे वेदर को देखने के लिए, या अलग अलग तरह के सिक्योरिटीज के लिए, या फिर न्यूक्लियर पावर को कंट्रोल करने के लिए, या फिर जो हमारे पुणे के सीडैक में डीआरडीओ वगैरह में लगा है, वो सब स्पेशल पर्पस सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। तो वो दूसरे टाइप का होता है जिसको हम स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, तो जनरल पर्पस कंप्यूटर, सुपर स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो इस टाइप से ये तीन तरह से क्लासिफाई किया गया है कंप्यूटर्स को। ठीक है, आजकल और भी ढेर सारे से अलग अलग तरह के क्लासिफाई करने के लोग कोशिश करते हैं, लेकिन मोटा मोटी जो है वो तीन तरीके से क्लासिफाई होता है। चलो हम बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर की, जो कि हमारा ये जो पहला टाइप है, ठीक है, बेस्ड ऑन साइज वाला जो टाइप है उसमें पहला है आपका माइक्रो कंप्यूटर्स। देखो दिस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आर द लिस्ट पावरफुल, सबसे कम पावरफुल होता है। अगर बाकी चारों से कंपेयर, तीनों से कंपेयर करें तो ये सबसे कम पावरफुल है, सबसे कम शक्तिशाली है, येट द मोस्ट वाइडली यूज्ड, सबसे ज्यादा यूज भी यही होता है उसके बावजूद। एंड आर ऑल्सो कॉल्ड पोर्टेबल कंप्यूटर्स, पोर्टेबल कंप्यूटर्स जिसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने लाने यूज करने में आसानी हो, तो ये पोर्टेबल कंप्यूटर्स के फॉर्म में ही हमें मिलता है समझो, ये यूज करते हैं हम। ठीक है, तो भले ही लिस्ट पावरफुल है लेकिन मोस्ट वाइडली यूज्ड कंप्यूटर कौन सा है, माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक है, दीज आर स्मॉल रिलेटिवली इकोनॉमिकल कंप्यूटर्स, थोड़े सस्ते होते हैं बाकी कंप्यूटर के हिसाब से। दीज आर बेस्ड ऑन द माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी, ये सब क्या है, माइक्रो प्रोसेसर पे बेस्ड होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स इसमें लगे रहते हैं जिसको हम आईसी कहते हैं। तो बहुत सारे इसमें माइक्रो प्रोसेसर जो है लगे होते हैं जिसके बेसिस पे ये काम करता है। चलो तो जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं इसमें जो इनपुट देने का, जो कीबोर्ड वगैरह के थ्रू जो इनपुट दिया जाता है वो क्या होता है कि इसको हम कीबोर्ड के थ्रू वो देंगे, इनपुट देंगे, आउटपुट देखने के लिए हमारे पास एक मॉनिटर होगा, लेकिन इसकी जो क्षमता होती है वो कम क्षमता होती है बाकी कंप्यूटर्स के अगर कंपेयर में देखा जाए। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, अगर हम बात करें तो आज का जो पीसी है ये इसका एग्जाम्पल है, जो पर्सनल कंप्यूटर या जिसको हम डेस्कटॉप कहते हैं कि इसी का एग्जाम्पल है माइक्रो कंप्यूटर्स का। ठीक है, तो इसमें इसी तरह के माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, आईसीस का यूज किया जाता है। इसके अलावा जो लैपटॉप्स है वो भी इसी कैटेगरी में ही आएंगे। ठीक है, जैसे कि अल्ट्रा बुक वगैरह हो गया, ठीक है, आजकल तो नोटबुक चलता है,
और भी ढेर सारे इसके आजकल जो पोर्टेबल और जो लाइट वेटेड जो लैपटॉप्स कंप्यूटर्स वगैरह आते हैं वो सब माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंप्यूटर के अंडर में ही आते हैं। इसकी खास बात क्या है, इसमें एक तो पोर्टेबिलिटी है, मतलब कि इसके जो बैटरी है वो इनबिल्ट है, चार्जेबल होते हैं, सॉरी रिचार्जेबल होते हैं, और इसको कहीं भी आप काम पे ले जा सकते हैं, कहीं भी काम कर सकते हैं। तो ये सब जो चीजें जो है इस माइक्रो कंप्यूटर के फायदे हैं। हालांकि कम क्षमता वाले होते हैं, लिस्ट पावरफुल होते हैं, लेकिन इसके फायदे भी बहुत सारे हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप एप्पल के जो मैकबुक है वो सब इसमें आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे जितने भी डेस्कटॉप वगैरह हैं या जो आईबीएम के जितने भी कंप्यूटर्स आते हैं ये सब इसमें आता है। ठीक है, तो ये सब इसके एग्जाम्पल के तौर पे हो सकते हैं। नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर। दीज आर स्मॉलर और स्मॉलर इन साइज, फास्टर एंड कॉस्ट लोअर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। देखो मैंने तीसरा टाइप बताया था मेन फ्रेम कंप्यूटर के, तो उसके कंपेयर में ये जो है बोलना चाहिए कि ये स्मॉलर है साइज में, लेकिन उससे थोड़ा कम कॉस्ट वाला है मेन फ्रेम कंप्यूटर के कंपेयर करें तो। इनिशियली द मिनी कंप्यूटर वॉज डिजाइन टू कैरी आउट सम स्पेसिफिक टास्क, कुछ स्पेशल पर्पस के लिए जो है इसको बनाया जाता था, जैसे कि इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैड जो कैलकुलेशन होता है, इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर एडेड जो डिजाइन वगैरह बनाए जाते हैं ना, मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग के अलग अलग डिपार्टमेंट में कैड की पढ़ाई भी होती है, एक सब्जेक्ट होता है कैड का, आई होप आप लोग अगर कभी पढ़े हो तो, ये कैड का जो सब्जेक्ट होता है ये भी इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है समझो, तो उसमें यूज होता है, इस तरह के मिनी कंप्यूटर यूज किए जाते थे। ठीक है, बट नाउ दे आर बींग यूज एज ए सेंट्रल कंप्यूटर विच इज नोन एज सर्वर, इसको सर्वर की तरह यूज किया जाता है, इससे रिलेटेड कनेक्टेड बहुत सारे जो है कंप्यूटर्स होते हैं, मिनी कंप्यूटर को सर्वर की तरह आजकल यूज किया जाता है। अब देखो मिनी कंप्यूटर के एग्जाम्पल के तौर पे ना इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, अलग अलग एग्जाम्स में, अलग अलग स्टेट के एग्जाम में पूछा गया है, कई तरह के जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन जहां से आते हैं वहां से भी इन चीजों से क्वेश्चन पूछ चुका है, जैसे कि आईबीएम 17 से क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है कि ये किस टाइप के कंप्यूटर में आता है। तो आईबीएम के कई तरह के कंप्यूटर पहले अभी भी आते हैं जो कि माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, लेकिन आईबीएम 17 जो है एक मिनी कंप्यूटर था और जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बना हुआ है, तो ये आईबीएम 17 एक माइक्रो कंप्यूटर नहीं है बल्कि एक मिनी कंप्यूटर था। ठीक है, डेक PDP-11 ये भी एग्जाम्पल है मिनी कंप्यूटर का जो सर्वर की तरह यूज किया गया है। HP का 9000 करके एक मिनी कंप्यूटर भी लॉन्च किया गया था, तो ये भी क्या है मिनी कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल है। तो देख लेना इन नामों से या इस एग्जाम्पल से एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, तो मे बी ये रिपीट होता है, तो थोड़ा ध्यान देना इन तीन चार एग्जाम्पल्स में। ठीक है, चलो हाँ अच्छा, मुझे एक चीज याद आया, किसी एग्जाम में ये पूछा गया था कि मान लीजिए मिनी कंप्यूटर को अगर आपको सुपर मिनी कंप्यूटर में बदलना हो। अब देखो आजकल ने यार एग्जाम्स में कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाने लग गया है जो कि दिखता नहीं है बुक्स वगैरह में, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन आया था कि मिनी कंप्यूटर है उसको अगर सुपर मिनी कंप्यूटर में बदलना है तो आपको किस टाइप का चिप यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन में एक चिप था 80386, ये एक ऐसा चिप है जिसको यूज करके आप मिनी कंप्यूटर को सुपर मिनी कंप्यूटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उसको बदल सकते हैं। तो देख लेना, ऐसा भी क्वेश्चन कई बार फंस जाता है ना। तो ये चिप का नाम है, ये एक ऐसी चिप है, इंटीग्रेटेड चिप है, जिसको यूज करने से आप मिनी कंप्यूटर को सुपर मिनी कंप्यूटर में बदल सकते हो। अच्छा हाँ, इसका एक और एग्जाम्पल है, अगर आप लोग रिजर्वेशन करवाते हो ना, रेलवे रिजर्वेशन वगैरह, तो वहां पर जो यूज होता है ना जिसमें कई सारे लोग काम करते रहते हैं, उसका जो सर्वर होता है
वो जो सर्वर है वो बेसिकली एक मिनी कंप्यूटर ही होता है, जो रेलवे रिजर्वेशन वगैरह में जो यूज किया जाता है, उस जिस सर्वर के अंडर में वो सारे लोग काम करते हैं, वो सर्वर एक्चुअल में एक मिनी कंप्यूटर होता है जिसके अंडर में ये सारा काम जो है होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो तीसरा टाइप है वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो ये क्या है, दोनों कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर के अगर रेस्पेक्ट में देखा जाए तो ये उसके कंपेरिजन में थोड़ा बड़ा होता है, फास्ट होता है और उसका स्टोरेज ज्यादा होता है, लार्ज इंटरनल स्टोरेज जो है उसमें होता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर्स हैविंग लार्ज इंटरनल मेमोरी स्टोरेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसके जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के जो एग्जाम्पल्स है वो IBM 370, जैसे IBM 17 क्या था, मिनी कंप्यूटर था, IBM 370 क्या है, एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है। इसके अलावा IBM S/390 ये भी एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है। जो मैंने यूनिवेक की बात किया था वो एक मेन फ्रेम कंप्यूटर ही था, जिसका एक वर्जन है यूनिवेक 1110, ये भी क्या है, एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है। ठीक है, तो ये सारे जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं, और ये एक तरह से बोलना चाहिए कि जो हमारा बिजनेस पर्पस से किसी भी चीज को नेटवर्क बनाया जाता है तो उस नेटवर्क में जो है ये कंप्यूटर यूज होते हैं, मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है वो। ठीक है, जिसमें ढेर सारे पेरिफेरल डिवाइसेस हो सकते हैं और इसकी जो कैपेबिलिटी है, इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो सकता है, हालांकि सुपर कंप्यूटर से कम फास्ट होता है। इसके अलावा ये मल्टी यूजर है, ढेर सारे यूजर इसमें एक साथ काम कर सकते हैं, और जैसे बैंकिंग सेक्टर में मेन फ्रेम कंप्यूटर काम होता है, बैंकिंग सेक्टर जो होता है ना, बैंकिंग सेक्टर में इसका मेन काम होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर का। और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस वगैरह में या रिसर्च करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अलग अलग तरह के रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह में जो है इसका यूज होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर का। आपके जो अंतरिक्ष प्रणाली है या जो सिस्टम है उसमें जो है इसका यूज किया जाता है। ठीक है, स्पेस में इसका, स्पेस रिसर्च वगैरह में इसका यूज किया जाता है। तो ये सब जगहों में जो है आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर का ही काम होता है। ठीक है, हालांकि सुपर कंप्यूटर भी यूज में होता है, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर जनरल पर्पस कंप्यूटर नहीं है, ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के रूप में इसको देखा जाता है। ये सब स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के अंडर में आता है। चलो बात करते हैं हम सुपर कंप्यूटर की। दीज आर द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव मशीन। करोड़ों का खर्चा लगता है जब इसको हम वो करते हैं। कंप्यूटर भी यूज होता है और मेन फ्रेम कंप्यूटर भी यूज होता है, लेकिन जनरली रेलवे का जो रिजर्वेशन सिस्टम है उसके लिए जो है यूज किया जाता है मिनी कंप्यूटर, और पूरे रेलवे के सिस्टम को संभालने के लिए जो यूज होता है ना वो इसमें आएगा आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर में। क्योंकि रेलवे में सिर्फ रिजर्वेशन नहीं होता ना, रेलवे में तो दुनिया भर के काम है, तो वो सब में जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है। लेकिन जनरली जो रिजर्वेशन वाला सिस्टम है उसमें जो सर्वर यूज होता है वो मिनी कंप्यूटर को यूज किया जाता है। चलो, तो ये है आपका सुपर कंप्यूटर, फास्टेस्ट है, मोस्ट एक्सपेंसिव मशीन है, दे हैव हाई प्रोसेसिंग स्पीड कंपेयर टू अदर कंप्यूटर्स, बाकी कंप्यूटर्स के मुकाबले में बहुत हाई स्पीड होता है। सुपर कंप्यूटर आर मोस्ट पावरफुल, लार्ज इन साइज, बहुत बड़े साइज होते हैं, लार्ज इन साइज एंड मेमोरी, मेमोरी में भी बहुत बड़े होते हैं कंपेयर टू ऑल अदर कंप्यूटर्स। तो ये कुछ इसके फीचर्स हैं, जो फास्टेस्ट है, एक्सपेंसिव है, प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज्यादा है, पावरफुल है, लार्ज होता है साइज में भी, मेमोरी में भी, बाकी कंप्यूटर के कंपेयर में। अगर हम पहले सुपर कंप्यूटर की बात करें तो क्रे 1 को क्रेडिट दिया जाता है। क्रे 1 ये वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है जिसको सैमर आर क्रे ने इंट्रोड्यूस किया था 1976 में। तो ये याद रखना है, क्रे 1 पहला सुपर कंप्यूटर है अगर हम पूरे वर्ल्ड वाइड अगर हम देखते हैं तो। ठीक है, चलो, इसको एक क्रे रिसर्च कंपनी ने इसको डेवलप किया था, रिसर्च कंपनी था क्रे रिसर्च कंपनी। ठीक है, बात करें भारत की तो परम
वॉज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया इन 1990, ठीक है। हालांकि इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1991 में सी डैक के द्वारा, पुणे का जो सी डैक है इसके द्वारा जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1991 में, ठीक है। इसका डेवलपमेंट जो हुआ था वो 1990 में हो चुका था, लेकिन इसको 1991 तक जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अलावा परम ईशान इज द लेटेस्ट मशीन इन द सीरीज ऑफ परम मेड बाय सी डैक आईआईटी गुवाहाटी ऑन 20 सितंबर 2016, कि अभी बाद में अभी और आ गए ठीक है। अभी आ रही है आवाज, आ रही है ना, चलो आगे बात करते हैं, ठीक है। तो एक तो हो गए क्रेवन जो कि दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था, परम जो कि इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर 1991 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, परम ईशान जो है 2016 में जो है एक लेटेस्ट मशीन बनाया गया जो कि सीडैक पुणे और आईआईटी गुवाहाटी ने जो है मिल करके इसको डेवलप किया था, परम ईशान, ठीक है। इसके अलावा ढेर सारे हैं जो इसको मैं लिस्ट आउट करवा दूंगा अभी। तो याद रखना है परम भारत का पहला जो है सुपर कंप्यूटर था। इसके अलावा दो चीजों के बारे में और एग्जाम्स में पूछता है, एक है आपका पेस सीरीज। तो पेस सीरीज के जो कंप्यूटर बनाए गए थे वो डीआरडीओ ने डेवलप किया था, ठीक है। एक बात ये हो गया, और तीसरी जो बात है वो याद रखना है आपको, अनुपम सीरीज करके एक सुपर कंप्यूटर का सीरीज लॉन्च किया गया। तो एक तो हो गया परम सीरीज, दूसरा हो गया पेस सीरीज, और तीसरा हो गया आपका अनुपम सीरीज। तो ये जो है अनुपम सीरीज को सी डैक ने डेवलप करना शुरू किया था, पेस सीरीज को डीआरडीओ ने, और अनुपम सीरीज को बार्क ने, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने जो है इसको डेवलप किया। तो ये तीन क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, इसको ध्यान से आपको याद रखना है। परम सीरीज किसने डेवलप किया? सी डैक ने। पेस सीरीज किसने डेवलप किया? डीआरडीओ ने। और अनुपम सीरीज किसने डेवलप किया? बार्क ने डेवलप किया था। तो ये तीन बातें हो गई, ठीक है। उसी परम सीरीज का एक परम निशान था जो कि सी डैक के साथ साथ आईआईटी गुवाहाटी ने भी उसमें उस सीरीज को डेवलप करने में काम किया था। अदरवाइज परम के जितने भी सीरीज हैं उसमें ज्यादातर सी डैक ने इंडिविजुअली जो है इसको एस्टैब्लिश किया था, लेकिन परम निशान ये पहला सुपर कंप्यूटर था भारत का जिसमें आईआईटी गुवाहाटी ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया डेवलपमेंट में। चलो ये बातें हो गई जो अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो ये जो सुपर कंप्यूटर्स हैं इसमें एक चीज याद रखना है, सी डैक ने जब इसको बनाया था 1991 में, तो परम सीरीज का जो पहला कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर बनाया गया उसका नाम था परम 8000, राइट। ये पहला है जो सी डेक ने 1991 में डेवलप किया था, परम 8000। उसका जो डेवलप्ड वर्जन आया उसका नाम रखा गया परम 8600, जो कि 1992 और 93 के आसपास में ये डेवलप हुआ था, इस्टैब्लिश किया गया था। उसके जस्ट एक साल बाद 1993 में तीसरा जो इसका सीरीज का तीसरा आया सुपर कंप्यूटर उसका नाम था परम 9000। तो 8000, 8600, 9000, और उसके बाद में जो 98 में एक आया वो था परम 10000। ये उस टाइम में 2000 के टाइम में जो है इतने सारे सुपर कंप्यूटर वन बाय वन जो है सी डैक ने डेवलप किया था। चलो तो ये बात हो गई 8000, 8600, 9000 और 10000 की बात। अब हम बात करते हैं जब 2000 के बाद की, अगर हम कुछ बात करें तो परम के ही कई सीरीज निकले थे, कई इसमें कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर बनाए गए थे। जैसे कि एक जो है 2003 में आया परम पद्मा, ठीक है। ये पहली बार था जो सुपर कंप्यूटर के, दुनिया के जो सुपर कंप्यूटर के 500 सुपर कंप्यूटर होते थे उसके लिस्ट में इसने जगह बनाया था, परम पद्मा। ये 2003 की बात है जब अंडर 500 इसका नाम आया था, परम पद्मा सुपर कंप्यूटर का, भारत का जो परम सीरीज का एक कंप्यूटर था, सुपर कंप्यूटर था। इसके बाद 2008 में एक आया परम युवा, परम युवा 2 आया 2013 में, परम ईशान जिसकी बात मैं कर रहा था आईआईटी गुवाहाटी का भी इसमें वो था, तो ये आया था 2016 में, ठीक है। इसके बाद में आया परम ब्रह्म,
2002 और देन आया परम सिद्धि एआई। ठीक है, अब ये परम सिद्धि 2020 में इसको लाया गया और उसी टाइम ये पहली बार टॉप 100 में आया। दुनिया के जो मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर थे उसमें 63rd रैंक इसको मिला था टॉप 100 में। इसके बाद किसी भी सुपर कंप्यूटर को इतना बेहतर रैंकिंग अभी तक नहीं मिला है, लेकिन याद रखना है कि इससे भी ज्यादा फास्ट कंप्यूटर अब बन चुका है भारत में सुपर कंप्यूटर। लेकिन रैंक के हिसाब से देखा जाए तो ये पहली बार था जिसने टॉप 100 में जो है जगह बनाई थी पूरा दुनिया के सुपर कंप्यूटर्स में, परम सिद्धि एआई ने। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सेक्शन में। इसके अलावा परम शिवाय, परम संगणक और परम प्रवेगा, ये 2022 जनवरी में डेवलप किया गया, परम प्रवेगा। ठीक है, तो ये परम सीरीज के ढेर सारे सुपर कंप्यूटर्स भारत लगातार डेवलप करता रहा है। इसके बाद में अगर अभी की हम बात करें तो प्रत्यूष और मिहिर, ये दो ऐसे का सुपर कंप्यूटर है 2018 में जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया भारत में, और करेंटली जो है इसको मोस्ट पावरफुल सिविलियन सुपर कंप्यूटर्स कहा जाता है। जो आम लोगों के लिए सुपर कंप्यूटर जो आम लोगों के लिए काम करता है, मतलब आम लोगों के लिए जिस पर्पस के लिए इसको काम में लाया जाता है उस हिसाब से ये अभी के दौर पे करेंटली इंडियाज मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर माना जाता है, प्रत्युष और मिहिर को। ठीक है, ये दो सुपर कंप्यूटर है इंडिया का। अच्छा, अगर हम वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो अभी जो है एक यूएस का जो सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर, वो टॉप में है अभी। आवाज ब्रेक नहीं हो रहा है ना? चलो, तो अभी जो 500, टॉप 500 का जो लिस्ट आउट हुआ है अभी 2023 वाला, उसमें दुनिया का जो फर्स्ट कंप्यूटर है या सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है उसमें पहला रैंक में है फ्रंटियर। ठीक है, तो ये जो फ्रंटियर है ये यूएसए का कंप्यूटर है। ठीक है, इसको 2023 में डेवलप किया गया, अभी अभी की बात है, और ये अभी टॉप पे है फ्रंटियर। इसके अलावा जापान की एक कंप्यूटर है फुगाकू, ये सेकेंड रैंक में है। हालांकि इसको 2020 से लेकर 2023 तक ये टॉप पे था अभी, लेकिन जब से फ्रंटियर लॉन्च हुआ यूएसए का 2023 में, तब से फ्रंटियर फ्रंट में चला गया या पहले में चला गया। ठीक है, और फुगाकू जो है अभी सेकेंड रैंक में है। इसके अलावा जो है एक फिनलैंड का भी कंप्यूटर है लूमी करके, तो वो तीसरे रैंक में है अभी। और भी ढेर सारे हैं, तो ये तीन कम से कम याद रख सकते हो आप। तो फ्रंटियर हो गया, फुगाकू हो गया, लूमी हो गया, ये टॉप 3 है 2023 के केस में अभी वर्तमान कंडीशन में। और भारत में अगर हम बोले तो प्रत्युष और मिहिर है जो कि मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर के तौर पे इसको देखा जाता है। लेकिन इसमें एक चीज, अभी जो रिसेंटली एक डेटा आया है जून 2023 की बात है, अभी जून मतलब कि अभी अभी की बात है। ठीक है, और नहीं जून नहीं यार, 24 मई का रिपोर्ट है, उसके हिसाब से द हिंदू में अखबार में आया था और इसको सीडैक ने भी इसको अपने वेबसाइट में डाला हुआ है। एआई बेस्ड जो सुपर कंप्यूटर है उसमें ऐरावत जो है भारत का अब जो है टॉप, जो वर्ल्ड के जो 100 मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स है उसमें इसने अपना स्थान बना लिया है 75th नंबर पे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एआई सुपर कंप्यूटर है, और अगर हम परम उसका बात करें, अगर हम ये जो मैं बता रहा था अभी प्रत्युष और मिहिर, तो ये एक सिविलियन सुपर कंप्यूटर है जिसमें एआई की बात नहीं हो रही है, लेकिन ये जो एआई बेस्ड सुपर कंप्यूटर है उसमें ऐरावत जो है भारत का भी मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर है, और दुनिया का ये 75th नंबर का पावरफुल सुपर कंप्यूटर हो चुका है। जो जर्मनी में अभी कॉन्फ्रेंस हुआ है सुपर कंप्यूटिंग, इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस, उसमें ये भारत की तरफ से टॉप पे है ऐरावत। ठीक है, जिसको सीडेक पुणे ने ही इसको एस्टैब्लिश किया है और सीडेक पुणे में ये इंस्टॉल भी है एरावत। तो ये तीन नाम याद रखना है, प्रत्युष, अगर हम सिविलियन कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर्स की बात करें तो प्रत्युष और मिहिर, एआई बेस्ड अगर हम सुपर कंप्यूटर की बात करें तो एरावत।
चलो कोई डाउट नहीं है यहां तक। ठीक है, तो 75th में जो है, हाँ यार आज के लिए हो गया, कंप्लीट हो गया, ये आज के लिए इतना ही है। चलो इसका पीडीएफ मैं जो है आप लोग के लिए अपलोड कर दूंगा और आप वहां से देख सकते हो। कोई डाउट रहेगा तो मुझे पूछ लेना, कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखो यार नोट्स जो है आप चाहो तो शॉर्ट में बना सकते हो, अदरवाइज इसका पीडीएफ आपके ऐप में अवेलेबल रहेगा एनी टाइम, आप वहां से भी देख सकते हो। और रही बात नोट्स की, तो कई लोगों को आदत होती है अपना नोट्स बनाने का, तो ये शॉर्ट नोट्स आप चाहो तो बना सकते हैं इसका, है ना। तो वो आपके ऊपर है टोटली, आप कैसा इसको करना चाहते हो।